तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पेनी स्टॉक के ऊपर रहेगा, और जो आज का हमारा स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है फ्यूचर में। तो डेफिनेटली आप इसको बाई कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था आप इसको बाई करके चलिए, राइट। तो जो स्टॉक की वैल्यू है करंटली वो 25 पैसे के आसपास है, 24 पैसे चल रहा है बाय द वे। तो आप इसको बाई करके चल सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको बाय क्यों करना है अभी आपको चार्ट में समझा देता हूँ। तो चार्ट को एक बार आप देख लेना कि चार्ट क्यों बोलता है इसको बाय करना चाहिए, राइट। और क्या हमारे टारगेट निकल के आते हैं अगर आप इसको बाय कर भी लेते हो या कर भी लिया है, तो कितने का टारगेट लगाना चाहिए आपको, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, बतला दूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर चाहते हो कि आपके लिए ऐसे पेनी स्टॉक्स बनाऊं जो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना, ठीक है। शेयर करो सोशल प्रोफाइल पे अपनी, और जितना हो सकता है उतना करो। तो मैं आपको पहले दिखाया था, मैंने ये स्टॉक खुद बाय करा हुआ है। जैसे मैंने आपको 25-20 पैसे की कॉस्ट बताई है, राइट। मैंने आपको ट्विटर में अपडेट किया था, और आपका जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी बॉक्स होता है वहाँ भी मैंने आपको अपडेट किया। 4-5 स्टॉक मैंने आपको वहाँ दे रखे हैं, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स है वो एक महाकॉप है, एक PSL है। तो मैंने बोला है कि इनका जो टारगेट है नेक्स्ट 1 या 2 साल के अंदर आएगा। तो 1 या 2 साल के अंदर जो प्राइस मैंने आपको दी है या उससे नीचे आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप उसको डिप्स में बाय करना। डिप्स में बाय करने का तरीका और कैसे आपको पेनी स्टॉक को बाय करना चाहिए वो मैंने आपको एक वीडियो बनाया है उसका प्रॉपर, राइट। क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए जब आपको पेनी स्टॉक्स बाय करने चाहिए, तो वो वीडियो पक्का आप देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली उस वीडियो को पक्का देखना अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो, राइट। तो मैं आपको आपको अब लेके चलता हूँ उसके चार्ट में, मेरा क्या टारगेट रहेगा और मैं कैसे स्टॉक्स में अब निकलूँगा और कैसे मैं इसमें एंट्री करूँगा। अभी बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो अपर सर्किट लगा रहा है। एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, जो स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किए, सजेस्ट किए, वो 1 या 2 दिन में आपको मल्टीबैगर नहीं होने वाले। ये दोबारा स्टॉक आपका 20 पैसे आएगा, 10 पैसे भी आ सकता है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। बट आपको करना क्या होगा, आपको इसको रेगुलर अपनी वॉच लिस्ट में डाल के देखना होगा कि स्टॉक कब आपको मिल पाता है, या आपको बिट डालनी पड़ेगी। आपको छोटा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा, मतलब काम तो करना पड़ेगा ना, अगर आपको 1000x रिटर्न चाहिए पेनी स्टॉक्स में, राइट। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी मेहनत भी नहीं कर सकते तो भाई पता ही है फिर तुम्हें। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा चार्ट में, देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, जो स्टॉक का नाम है वो महाकॉप करके है, पूरी फुल फॉर्म उसका महाराष्ट्र कॉप करके है। कॉर्पोरेट मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। जो उसका NSE और BSE में लिस्ट स्टॉक है ये, ठीक है। पहला रीजन बाय करने का यही है। और जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 2008 से 2007 के आसपास लिस्ट हुआ था IPO उसका, और ऑलमोस्ट 10 ईयर से मार्केट में काम कर रहा है। इट मीन्स स्टॉक में वैल्यू है, इसलिए 10 साल से काम कर रहा है मार्केट में। तो दूसरा रीजन बाय करने का ये बनता है। और तीसरा रीजन ये है जो मुझे लगता है, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2020 तक एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स ये स्टॉक कभी भी अपना रेंज ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ऊपर की तरफ बोलूँगा, राइट। देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर से एक टाइट रेंज ब्रेकआउट, टाइटली रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 60 पैसे और 20 पैसे के बीच में, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको डेली चार्ट में भी लेके चलता हूँ तो आपको वहाँ पर आसानी से समझ आएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली मैं इसको आपको बाय करके चलना चाहिए। प्राइस मैंने आपको बतला दिया है, और जो टारगेट निकल के आते हैं मैं आपको अभी अपडेट कर देता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो टाइटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये अगर आपको कभी भी 15 पैसे 10 पैसे में मिलता है तो बाय करना डिप्स में। बाय करने का डिप्स में बाय करने का तरीका वो वीडियो मैंने ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। और उस वीडियो को पक्का देखना कि आपको कैसे स्टॉक को बाय करना चाहिए पेनी स्टॉक को, ठीक है। तो इसमें आप बात करते हैं टारगेट की। ये तो हो गया बाय प्राइस क्या रहेगा, 20 पैसे 24 पैसे मिलता है बाय कर लो, लेकिन टारगेट क्या रहेगा। देखो टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट 20 पैसे के आसपास मेरी कॉस्ट है। तो जैसे स्टॉक 45 पैसे 50 पैसे होगा, मैं मार्केट से अपना जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है मैं उसको विड्रॉ कर लूँगा, राइट। और बाकी जो प्रॉफिट है उसको मार्केट में रहने दूंगा फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट, आप ये देख सकते हो ये एरिया 3 रुपये 50 पैसे, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो जो मेरा टारगेट रहेगा वो 2 रुपये 90 पैसे और 3 रुपये के आसपास का रहेगा। तो फ्यूचर में ये आपको
2 रुपये 90 पैसे और 3 रुपये के टारगेट आराम से दिखा सकता है। ठीक है, तो तरीका बतला दिया है, आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट विड्रॉ कर लेना, बाकी जो प्रॉफिट होगा आप उसको मार्केट में रहने देना, और आप 2 रुपये 80 पैसे और 90 पैसे का टारगेट के लिए इसमें वेट कर सकती हो। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाकी अगर ये ऊपर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देता है 2 रुपये 90 पैसे और 3 रुपये के आसपास, तो ये स्टॉक आपका आराम से 10 रुपये भी दिखा सकता है, लेकिन इसको एटलीस्ट 3 रुपये के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ। और लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ, जो पैनी स्टॉक्स में आपको दिए हैं, जैसे आपको पता है ये जो पैनी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो गैम्बलिंग होती है, तो आप इसमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना जितनी आप अफोर्ड कर सको लूज करने के लिए, राइट। मतलब अगर आपकी मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपये से ट्रेड करते हो मार्केट में, तो आप अपनी 5% कैपिटल या 10% कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो उसमें जो आपको मल्टीवैगर रिटर्न दे सकती है। रिलायंस बाय करोगे, TCS बाय करोगे, कुछ और स्टॉक बाय करोगे, HUL, ये आपको मात्र साल की 20% रिटर्न या 10% रिटर्न ही दे पाएंगे, लेकिन ये स्टॉक आपको मैं बता रहा हूँ 20% रिटर्न तो मुझे अभी इसमें मिल ही रही है। मैंने इसको स्टॉक को मेरे ख्याल से ट्विटर में देख लेना 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले ही अपडेट किया है, ये स्टॉक आपका 19 पैसे भी चल रहा था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ से कि आपके सामने 20% की रिटर्न आ रही है, देख सकते हो, ये रहा यहाँ स्टॉक चल रहा था 19 पैसे 18 पैसे, आराम से मैंने भी इसको यहीं बाई किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है, 24 पैसे हो चुका है, मतलब 20% की रिटर्न तो इसमें मुझे अभी मिल रही है। जो स्टॉक रिलायंस आपका 1 साल में देता है वो इस छोटे स्टॉक ने दे दिए, लेकिन इसमें देखो होता क्या है, जितनी बड़ी रिटर्न उतना बड़ा रिस्क। ठीक है, तो हमारा इन स्टॉक्स में जो रिस्क है मात्र वो आपकी एक छोटी सी अमाउंट होगी जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहती हो, और डिप्स में बाय करने का तरीका मैंने बता रखा है वीडियो में, वो देख लेना, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट मल्टीवैगर हो सकता है जो पैनी स्टॉक्स है वो 25 पैसे का, वो है महाकॉप। डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो नेक्स्ट 1 या 2 साल के लिए, और टारगेट रहेगा आपका 2 रुपये 80 पैसे या 2.5 रुपये का टारगेट के लिए आप इसमें चल सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो डेफिनेट वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।